हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज का हमारे संडे का वीडियो का टाइटल है मेकिंग ऑफ ड्रीम बुक। ऑलरेडी इसका पार्ट वन हम देख चुके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आज हम आपको दिखाएंगे कि सपने किस तरह साकार होते हैं। मेरे कुछ सपने भी साकार हुए हैं, हम उसकी छोटी सी कहानी आपको बताएंगे, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस मिले किस तरह ड्रीम को लाइव बना सकते हैं, किस तरह आपके थॉट्स आपके डिज़ायर को सच और ट्रूथ में चेंज कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग टिल द लास्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले हमारे अगले वीडियो का। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज मैं मेरा एक छोटा सा ड्रीम किस तरह सच में बदला वो बताऊँगा। ये मेरा क्लासरूम है। इस क्लासरूम में मेरा जो जब भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, वो बच्चों को मैं सम सिखाता हूँ। यहाँ पे सम्स लिखने के बाद बच्चों को कॉपी करने के लिए बोलता हूँ, और जब भी बच्चे कॉपी करते होते हैं तब मैं यहाँ साइड में खड़ा रहता हूँ। और तब जो साइड में जो मेरे जो खिड़की है, उस खिड़की से अगर आप देखो तो बाजू में जो राधे बंगलों से हैं वो डुप्लेक्स बंगलो दिखता है। ये जो डुप्लेक्स बंगलो है, ये मेरा एक ड्रीम बंगलो था जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने ये बंगलो इसलिए सोचा था क्योंकि मुझे मेरे मम्मी को प्रेजेंट करना था। उनकी बहुत ख्वाहिश थी एक लॉन हो, प्लांटेशन के लिए थोड़ी जगह हो, अलग अलग प्लांट्स रखें, आयुर्वेदिक उपचार के लिए कुछ ऐसे औषधियाँ बनाने के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स रखें जो बहुत काम आए। ये सब में उनको बहुत रुचि थी, लेकिन हम जिस घर में हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये जो सपना है, सपना ही बन के रह गया उनके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरा सपना पूरा हो। तो मैंने इस बंगलों का पिक मेरे ड्रीम बुक में लिया। फिर मैं रोज़ इस ड्रीम बुक को देखा करता था, और ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन कुछ ही दिनों में काम करने लगा। हाँ दोस्तों, एक सुबह इस राधे बंगलो के बिल्डर का फ़ोन आया, किरण पटेल। सुबह फ़ोन किया उन्होंने, बोले केडी सर आप मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं थोड़ा सा, बोले ये अचानक क्यों सुबह सुबह बुला रहे हैं। मैं गया उनके पास और वो उन्होंने अपने जूते पहने और मुझे चलते चलते सीधे बंगलोस लेके गए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, उन्होंने कुछ बताया नहीं और सीधे जाकर उसी बंगलो के सामने रुके जो बंगलो मैंने सपने में देखा था, वही बंगलो जो मेरे लिए ड्रीम बंगलो था। और उस बंगलो के सामने जाकर रुककर उन्होंने ये बोला, केडी सर ये बंगलो आपके लिए। मुझे सही में शॉकिंग लग रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे सपने के सारे वर्ड्स किरण भाई बोल रहे थे। हाँ दोस्तों, मैंने पूछा क्या किरण भाई, ये लगता है आपको मैं ले पाऊँगा? बोले हाँ ये तुम्हारे लिए है। कल रात को मुझे एक ऐसे ही एक सोच आया कि मुझे ये बंगलो आपको बताना चाहिए, और मैं आपको आज लेके आ गया। मैंने बोला ठीक है, लेकिन पैसे? बोले मैं पैसे आप आराम से देना, मैं कभी आपको फ़ोन नहीं करूँगा पैसे के लिए। मैं बोला ठीक है, और मैं जाके अपने माताजी को लेके आया, मेरे माताजी को बंगलो बताया, मेरे भाई को साथ में लाया, और इस तरह तीनों ने मिलकर हमने उस ड्रीम बंगलो को फिक्स किया। हाँ दोस्तों, अब बात हुई बंगलो के लिए डिपॉजिट तो दे दिया पैसे की, क्योंकि एक मिडिल क्लास टीचर के लिए इतने पैसे लाना इम्पॉसिबल था। कुछ पैसे भाई ने जुगाड़ किए, कुछ अब मेरे तरफ से भी डालना था। मैं यहाँ आ करके कुछ तो लेके आया, लेकिन फिर से कहीं 10 लाख की कमी थी। अब मैं सोच ही रहा था कि ये 10 लाख कहाँ से लाऊं। फिर से एक फ़ोन आया, अब ये फ़ोन था मेरे खास मित्र की, और वो फ़ोन करके ये बोला कि केडी मैंने 17 लाख का लोन लिया है, मुझे 7 लाख चाहिए, 10 लाख मेरे पास ऐसे ही पड़े, तुझे चाहिए क्या? देखो दोस्तों, मैं 10 लाख की बात कर रहा हूँ और फ़ोन भी 10 लाख का आया। मुझे वापस फिर से ऐसा लग रहा है कि मेरा वाइब्रेशन मेरे दोस्त के थ्रू आ रहा है वापस। दिस इज़ हाउ इट टेक्स प्लेस, दिस इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। व्हेनेवर यू थिंक समथिंग, इट जस्ट कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग टिल द सेम थिंग कलेक्ट्स ऑफ, राइट? तो जितना आप सोचोगे, जितना आप उसको याद करोगे, उतना ही वाइब्रेशन बाहर निकलेगा, और वो सारे लाइक वाइब्रेशन को रिएक्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा।
और इस तरह मुझे वो 10 लाख भी मिल गए और हमने सबने मिल के उस ड्रीम बंगलो का जो सपना था वो साकार कर दिया। दोस्तों आज मैं उसी ड्रीम बंगलो में रहता हूँ। सो आपको भी अगर आपके सारे ड्रीम्स साकार करने हैं, आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, उसको ड्रीम में से सच में बदलना है, तो ड्रीम बुक कैसे लिखते हैं वो मैं आज बताऊंगा। तैयार हो? चलो लेट्स स्टार्ट। ड्रीम बुक के लिए आपको एक स्केच बुक खरीदना है। उस स्केच बुक में पहले पेज पर आपको माई ड्रीम बुक करके लिखना है, राइट। फिर उसके बाद आपको जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो सारे ड्रीम्स एक के बाद एक आपको लिखते रहना है। जैसे देखिए ये है ड्रीम बुक में सबसे पहला कॉलम क्या होगा, माई ड्रीम, राइट। फिर उसके बाद होगा अमाउंट जो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ड्यू डेट लिखना जरूरी है, आपका ये ड्रीम कब तक साकार होगा। और फिर उसके बाद एस एम एल, राइट, आपका स्मॉल ड्रीम, फिर ये मीडियम ड्रीम और ये लॉन्ग टाइम ड्रीम, तो ये आपको लिखना जरूरी है। और उसके बाद आपने कब इसको अचीव किया उसका डेट लिखना है। तो जब भी आपका ड्रीम अचीव हो जाता है आपको एक थैंकिंग लिखना है, जिस तरह मैंने अपने एक एक ड्रीम अचीव करने के बाद लिखा है। देखिए ये आपको मैं अपने बंगलोस वाले बताता हूँ, मेरे ये एक एक ड्रीम थैंक यू के साथ लिखा है, जो ये आपको बताएगा कि मैंने ये अचीव कर लिया है। मेरे सारे ऑलमोस्ट सारे ड्रीम इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने अचीव किया है। ये कार ले लो जो मेरे लिए एक टाइम इम्पॉसिबल था, आज मैं इस कार का ओनर हूँ। ये क्लासरूम ले लीजिए, ये मेरे डिग्रीज ले लीजिए, ये मेरा मोबाइल ले लीजिए और ये मेरा ड्रीम बंगलो। मैं इसी बंगलो की बात कर रहा हूँ जिस बंगलो का मैंने खिड़की से इसका पिक्चर उतारा था, और यही बंगलो में आज मैं रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आपको भी इस तरह के ड्रीम बुक बना सकते हैं। ये ड्रीम बुक अगर आप बुक नहीं बनाते हैं तो कोई बड़े पेज पे लिखिए माय ड्रीम, आप क्या है उसमें पूरा उसका डिटेल लिखें, बिकॉज ये जो ड्रीम आप लिख रहे हैं ना वो आपके इसमें विजुअलाइज होने लगेगा। जैसे आप सचमुच उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं ना, वो चीज़ का फीलिंग आएगा और वही वो वाइब्रेशन बाहर जाता है, और ये यूनिवर्स में उसी वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन से मिलता है और फिर वापस आपको रिटर्न में आता है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलीफ, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट। आपको आपके ड्रीम पर विश्वास रखना जरूरी है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में। अगर इंसान एक बर्ड को, ईगल और वल्चर को देख के उड़ सकता है, तो वो जब पॉसिबल हो सकता है तो ये हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो प्लीज़ जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम एंड गो फॉर इट। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी इसी तरह अपने ड्रीम्स लिख के अपने घर पे, अपने ऐसी जगह पे लटका के रखिए, यहाँ तो उसको चिपका दीजिए और बार बार उसे विजुलाइज कीजिए और आपके सारे ड्रीम पूरे हों। अगर आपके ड्रीम अचीव होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, सो देट बाकी सबको भी एक कॉन्फिडेंस आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, सो देट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे अगले वीडियो का। Till that, bye, thank you, have a nice day.